नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। संस्थानों को बंद करने पर विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव मंजूर, दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के ऐलान से पहले विपक्ष ने सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर सारा काम रोक कर चर्चा मांगी। कांगड़ा में ओलावृष्टि, शिमला में झमाझम बारिश, चार दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आ गया है। बुधवार को कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। शिमला और मंडी में बादल झमाझम बरसे। चंबा जोत मार्ग पर शाम के समय बर्फबारी हुई, इससे चंबा से चुवाड़ी जा रही HRTC की बस फंस गई। गुरुवार से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी हुआ। 19 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सदन में दूसरे दिन भी हंगामा, नारेबाजी के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हंगामा बरकरार रहा। सदन में सरकारी संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मामले में नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होती रही। बंद संस्थानों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब जवाब दे रहे थे तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्य संस्थानों को बंद करने के विरोध में नारेबाजी करने लगे। जे सिविल और JOAIT की तीसरी परीक्षा में भी गड़बड़ी, दर्ज होगी FIR। भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के जूनियर इंजीनियर सिविल और JOAIT की तीसरी भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई। SIT ने इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में धांधली की पुष्टि कर दी है। अब इस मामले में भी अलग से विजिलेंस थाना हमीरपुर में FIR दर्ज होगी। अभी तक 5 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 4 अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी है। दलाई लामा बोले, मैं पूरी तरह से स्वस्थ तिब्बती संस्कृति धर्म का करता रहूंगा काम। मैकलोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर में दीर्घायु को लेकर आयोजित प्रार्थना सभा में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा कि मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूं, आगे भी तिब्बती संस्कृति और धर्म के लिए काम करता रहूंगा। सबको खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। मैकलोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में बुधवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की लंबी आयु के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। जल रोहतांग की वादियों में पहुंचेंगे पर्यटक, गुरुवार से गुलाबा तक भेजे जा सकते हैं वाहन। हिमाचल प्रदेश के मनाली आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रे की वादियों तक पर्यटक जल्द पहुंच सकेंगे। पर्यटक गुरुवार से गुलाबा तक भेजे जा सकते हैं। मनाली प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। कोठी के लिए लाए गए पुलिस बैरियर को गुलाबा में स्थापित किया जाएगा। मंगलवार को मनाली के SDM रमन शर्मा और DSP KD शर्मा ने सड़क का निरीक्षण किया। सोलन के मुकेश शर्मा जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन नियुक्त। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के नए चेयरमैन मुकेश शर्मा होंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मुकेश शर्मा ने बुधवार दोपहर को ही मनोनीत सदस्य की शपथ ली थी। शाम तक उन्हें चेयरमैन नियुक्ति कर दिया गया। ग्राम सभाएं बनाती हैं BPS सूची, गलत प्रविष्टि पर कर सकते हैं SDM से शिकायत। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ग्राम सभा में गलत चयन पर SDM के समक्ष 1 महीने में शिकायत दायर होती है। SDM के फैसले से शिकायतकर्ता संतुष्ट ना हो तो अगली अपील उपायुक्त के पास की जा सकती है। हर पंचायत में चयनित किए जाने वाले परिवारों की संख्या निश्चित होती है। एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानेंगे केरल और हिमाचल के विद्यार्थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केरल और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए संस्कृति, कला और जीवन में प्रदर्शन के लिए इक्याम 2023 की शुरुआत की गई। इक्याम 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत 19 मार्च से 23 मार्च 2023 तक NIT कालीकट के 15 छात्रों के साथ 3 संकाय सदस्यों का एक दल हिमाचल प्रदेश की यात्रा करेगा। MA एजुकेशन में प्रवेश के लिए 31 मार्च को काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र इगजोल में नए सत्र के लिए जारी प्रवेश की प्रक्रिया में आमंत्रित किए गए आवेदनों के बाद अब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया।
एमए एजुकेशन कोर्स के लिए 31 मार्च को काउंसलिंग होगी। 900 संस्थानों को बंद करना कांग्रेस सरकार का जल्द में लिया गया फैसला। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही भाजपा के समय खोले गए संस्थानों को डीनोटिफाइड करने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर दिखे। कांग्रेस सरकार की ओर से डीनोटिफाइड किए गए संस्थानों को पूर्व सीएम शांता कुमार ने जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। आईजीएमसी में सम्मान पाकर भावुक हुए अंगदान करने वालों के परिवार। आईजीएमसी शिमला के अर्जुन सभागार में बुधवार को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने अंगदाता परिवारों के लिए नमन दिवस कार्यक्रम करवाया। पद्मश्री अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी कप्तान अजय ठाकुर इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अजय इस संस्था के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने अंगदाताओं के परिवार के सदस्यों को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। निजी स्कूल में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के प्रवेश की जानकारी हाई कोर्ट में तलब। प्रदेश हाई कोर्ट ने सूबे के शीतकालीन निजी स्कूल में कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश की जानकारी तलब की। अदालत ने राज्य सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 29 मार्च को निर्धारित की। जीओएआईटी अभ्यर्थियों में आक्रोश, हमीरपुर से शिमला के लिए पैदल मार्च। पोस्ट कोड 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भर्ती प्रक्रिया में बढ़ती जा रही सुस्ती को लेकर अभ्यर्थियों में रोष है। बुधवार को 5 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऊना में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 150 पदों के लिए होगी भर्ती। आईटीआई शाहपुर में रोजगार मेला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की एक कंपनी ऊना जिले में 21 से 23 मार्च तक 150 पदों के लिए साक्षात्कार लेगी। चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मैसर्स सिस इंडिया लिमिटेड आरटीए बिलासपुर ने पुरुषों के लिए सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर के 150 पद अधिसूचित किए हैं। तेज रफ्तार का कहर, गगरेज में बस को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रक, 2 घायल। गगरेट बाजार में एक बार स्कूल के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक बस को टक्कर मारने के बाद पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में ट्रक व बस के चालकों को मामूली सी चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए गगरेट सिविल अस्पताल लाया गया है। सीएम सुक्कू ने शिमला से ऑनलाइन किया चोली वैली ब्रिज का शुभारंभ। चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के खड़ा मुखोली मार्ग पर चोली में नवनिर्मित वैली पुल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। इसी वर्ष 3 फरवरी को ये पुल ढह गया था और इस 190 फुट लंबे नए पुल को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 1.5 महीने में निर्मित किया गया है। रूहानी व शमशानी इलम के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान फोन घुमाए घर बैठे समाधान पाए। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौफन दुश्मन से छुटकारा, ग्रह क्लेश, जादू टोना, किया किराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, संपर्क करें 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकर्णी व वशीकरण, देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहने अभी फोन करें बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800120124286।